आप लोगों ने, सब लोगों ने सुन रखा होगा, इस समय चर्चा का विषय है। मैंने एक दिन मीडिया में देखा चलते हुए कि राज ठाकरे साहब अयोध्या आना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं। दो तीन दिन मैंने बड़ा सोच विचार किया, फिर मुझे एक कविता याद आई कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्याध, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है वह भी पाप का भागीदार है। और इसीलिए चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, पार्टी का स्टैंड क्या हो मुझे मालूम नहीं, तो उस दिन मैंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम है और मैंने एक ट्वीट करके अपने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि आपको राज ठाकरे से तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी ना मांगे। और दूसरा मैंने लिखा, अयोध्या सबकी है, सबको आने का हक है, लेकिन राज ठाकरे बिना माफी मांगे उत्तर भारतीयों से, अगर बिना माफी मांगे अयोध्या आएंगे तो हम उनको रोकेंगे और अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश की धरती पर उनको पैर नहीं रखने देंगे जब तक वो माफी नहीं। यहीं से बात शुरू होती है। कुछ मनसे के कार्यकर्ताओं का फोन भी आता है, शुरू शुरू में बड़ी अच्छी बात करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि 65% अपराध जो अपराधी हैं वो सब बिहार और यूपी वाले हैं। खैर, मुझको जो जवाब देना था दिए और मैंने यह आह्वान किया कि तर्क वितर्क मैं नहीं करूंगा, एक लाइन की बात है, यह आपकी धार्मिक यात्रा नहीं है, यह आपकी राजनीतिक यात्रा है। 6 महीने पहले तक आप मोदी जी की आलोचना करते थे, 6 महीने पहले तक आप योगी की आलोचना करते थे, अचानक आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आप लीडर बनना चाहते हैं, यह आपकी राजनीतिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा नहीं है। और अगर लीडर बनना चाहते हैं तो बनिए, देश का लीडर बनिए, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन आपने जिनको पीड़ा पहुंचाई है कम से कम उनसे माफी मांग लीजिए, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। एक रोज मैंने अयोध्या में साधु संतों की एक बैठक बुलाई, बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी बुलाया, अपने आप सब आए क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित मेरा इलाका है। सबने मुझे समर्थन दिया। फिर मैंने अयोध्या के साधु संतों की एक मीटिंग बुलाई उनकी राय जानने के लिए कि आपकी राय क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो अयोध्या का कोई संत ऐसा नहीं था, मणिरामदास छावनी से लेकर के हनुमानगढ़ी से लेकर के कोई संत ऐसा नहीं था जो वहां पर ना रहा हो। और 1 लाख की भीड़ होगी मात्र 12 घंटे के काल पर। मैं नीचे बैठ गया, मैं मंच पर नहीं बैठा, मैं नीचे बैठ गया और मैंने कहा कि अब आप लोग फैसला लीजिए कि क्या करना चाहिए, उसको आने देना चाहिए कि नहीं आने देना चाहिए। सर्वसम्मति से फैसला लिया
कि जब तक वो माफी नहीं मांगता तब तक उसको नहीं आने देना चाहिए। बातचीत के क्रम में बात आगे बढ़ती है, कुछ लोग आते हैं जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं। उसी क्रम में मैंने कहा कि चलो राज ठाकरे साहब उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग सकते तो संतों से माफी मांग ले। फिर बातचीत आगे बढ़ी, मोदी जी की बात आई तो हमने कहा चलो संतों से माफी नहीं मांग सकते तो मोदी जी से माफी मांग लो। फिर बातचीत का क्रम बढ़ा, योगी जी की बात आई तो हमने कहा योगी जी से ही माफी मांग लो, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री आज हैं, पहले वो संत हैं, उनके गुरु अवैधनाथ जी थे, उनके दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी थे, हमने कहा उनसे माफी मांग लो। ये सारी बातचीत मेरी मन से के लोग जो फोन करते हैं उनसे होती है, कुछ मीडिया के माध्यम से होती है। हमने कहा आप उत्तर भारतीयों से माफी मांगोगे नहीं, संतों से माफी मांगोगे नहीं, योगी जी से माफी मांगोगे नहीं, मोदी जी से माफी मांगोगे नहीं, तो क्या हमारे जो घाव हैं उन पर आप नमक छिड़कने के लिए आ रहे हो? हम सब लोग मानते हैं, मैं एक दिन एक बहुत बड़े पत्रकार हैं उनका डिबेट सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी, वो मेरी जानकारी पर तरस खा रहे थे कि विभूषण सिंह को कैसी जानकारी है और मुझे उनकी जानकारी पर तरस आ रही है। वो कह रहे थे कि कैसे ये सबको राम का ही वंशज बता रहे हैं, हम कैसे राम का ही वंशज बता रहे हैं। अब प्रलय के पहले अगर चलें, सतयुग में चलें तो उसका अलग इतिहास है, लेकिन प्रलय के बाद मनु से अगर शुरू करें तो माना जाता है कि मनु से ही सृष्टि की रचना हुई है दोबारा, तो कहीं ना कहीं एक ही माता पिता के सब संतान हैं। और मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन धर्म कहां बना कब बना, लेकिन जन्म से ना कोई ब्राह्मण है, ना जन्म से कोई क्षत्रिय है, ना जन्म से कोई वैश्य है और ना जन्म से कोई शूद्र है। और कहीं ना कहीं चाहे मुस्लिम समाज के मानने वाले हों, चाहे सिख समाज के मानने वाले हों, चाहे जैन समाज के मानने वाले हों, चाहे ईसाई समाज, सबका एक मानना एक यही है कि परमात्मा एक है। सबका यही मानना है कि परमात्मा एक है। अब मानने का रूप अलग अलग है लेकिन परमात्मा एक है। तो हमने कहा भाई किसी से माफी मांग लो, तो माफी मांगने को तैयार नहीं। और फिर कि आएंगे क्या करेंगे, फिर कुछ लोग कहने लगे कि ऐसा नहीं है, तो हमने कहा दिल्ली मुझे आना है और देश के कुछ मीडिया बंधुओं का मुझसे मिलना भी जाते थे, उसके काफ़ी दिन बाद मैं यहाँ आया हूँ। अब क्या नहीं करना है क्या करना है वो तो आगे देखा जाएगा, तो मैं कुछ लोगों को लाया हूँ जो 2008 के बाद सीधे सीधे जो प्रभावित हैं और जिसमें ये महेश यादव लम्हा सुल्तानपुर, जरा महेश यादव जी यहाँ आ जाइए, जरा अपना शर्ट उतारिए। ये 13 लोग थे साथ में उस समय जब इनके ऊपर हमला हुआ, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 11 लोग जान बचा करके किसी तरीके से भागे। ये भी कहीं पड़ा हुआ था, एक ठाकुर साहब है सुल्तानपुर के, खड़े हो जाइए, हाँ, इनको खबर मिलती है, ये जाते हैं दवा पानी कराते हैं। अब ये घाव दिखाओ जरा, ये वो वहाँ वो देखो मीडिया के लोगों, ये देखिए तुम उस दिन कई लोग थे, इसको रख लो, जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो कई लोग थे? हम लोग 13 लोग। तो कई लोग मर गए? उसमें 2 लोग चले गए। 2 लोग मर गए और 11 लोग तुम बचे। इनको मार कर फेंके, इसको ये घाव दिखाओ अपना, ये देखिए ये कट का निशान, हाँ ये पहले पीठ वाला नजदीक से देख लीजिए, आप पीठ वाला देख लीजिए,
ये लमुहा सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, 13 लोग ये थे, हमला किया मनसे के लोगों ने, 2 लोग मौके पर मर गए, इसको मरा जानकर छोड़ गए। होश आने के बाद वो ठाकुर साहब को ये कहीं से कांटेक्ट करता है, फिर ठाकुर साहब ले जाते हैं, इसकी ज़िंदगी बचाते हैं, और ये देखे यहाँ भी गला दे दिए थे, ये है ये, हाँ ये ब्रह्मदेव राय साहब हैं। ब्रह्मदेव राय हैं संत कबीर नगर के, आप इनसे प्रश्न कर सकते हैं, इनके आपके पिताजी से भी भाई थे, हमारे भाई थे सर, हमसे छोटे थे, पीट पीट करके कहा ट्रेन में, ट्रेन में जी, वो मुंबई में गए हुए थे रोजगार, आपसे प्रश्न कर सकते हैं मीडिया वाले, आप पूछिए बताइए जी, रोजगार के लिए मेरा भाई मुंबई में आ गया, और दीपावली का दिन था सर, हमसे नजदीक आ जाए, सुबह हमारी उनसे बात हुई थी, भैया मैं घर आ रहा हूँ, और वो रास्ते में ट्रेन से आ रहे थे, मनुष्य के कार्यकर्ता लोग मतलब चढ़े ट्रेन में, जानकारी सर कैसे हुई कि उन लोगों ने मनुष्य का नाम लिया और राज ठाकरे जिंदाबाद का नारा भी लगाया, और बोले कि मतलब उत्तर भारतीय जो लोग हैं ये लोग सभी लोग अलग किनारे हो जाए, उसके बाद भद्र व्यवहार किए, कुछ महिलाएं भी थी उन लोगों के साथ भद्रता कर रहे थे, भाई मेरा उसका विरोध किया, उसके बाद इन लोगों ने मारपीट करके उसको इतना मारा कि मतलब वो मर गया, इस दुनिया को छोड़ के हम सबको छोड़ के सर चला गया, दुर्भाग्य से ये था कि उस समय मात्र 14 माह उसकी जिया थी, और जब वो गया बाहर तो उस समय केवल 2.5 माह का मतलब पेट में बच गया था, वो आप लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा की देन है कि मतलब वो लड़का मतलब पैदा हुआ इस समय, कि उसका कुल दीपक मतलब जल रहा है मतलब है कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम लोगों के पास सब कुछ है सर, आप आए, देश जानना चाहता था जी, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये गलत आरोप है, राज ठाकरे साहब ऐसे नहीं है, तो आप बैठिए, मीडिया अगर कुछ पूछना हो पूछेगी, और ये सिकंदर खान ऑटो ड्राइवर, हाँ खान साहब आइए आप, फिर मोदी से मांग लो, फिर योगी जी से मांग लो, तो ऐसी स्थिति में मैंने ये आह्वान किया। और एक बात और बताएं, मेरी कोई चाह नहीं है, 6 बार मैं स्वयं सांसद रहा, 1 बार मेरी पत्नी सांसद रही, बेटा मेरा विधायक है, बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ हूँ, अन्याय भाई हो सकता है जिसको हम अन्याय समझते हो कोई दूसरा समझता हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है। और एक सवाल आप लोग उठाएंगे कि अब क्यों, तब क्यों नहीं, ये उठाएंगे आप, मैं 2008 से खोज रहा था, ये हरिदत्त शर्मा जी हमारे कब के मित्र हैं, खड़े हो जाइए, ये टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, कितने दिन के मित्र हैं आप मेरे, विद्यार्थी जीवन से बताइए, ये मिलते थे, मैं इनसे कहता था शर्मा जी कुछ ऐसा संजोग बनाओ यार कि किसी एयरपोर्ट पर मेरी राज ठाकरे से मुलाकात।